नमस्कार दोस्तों, माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको यूनिट 3 प्लेन टेबल सर्विंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो जो माइनिंग से रिलेटेड हो वो आपको पल पल मिलता रहे। दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर किया हूँ, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लें। टेबल सर्वेइंग एक ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग है जिसमें हम जिस भी एरिया का सर्वे करते हैं उस एरिया का साथ ही साथ जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो उसी समय हम उस एरिया का प्लॉटिंग भी अपने पेपर में करते हैं इन द फील्ड। प्लेन टेबल सर्वेइंग इज अ ग्राफिकल मेथड, यह एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम सर्वेइंग और प्लॉटिंग दोनों सेमेंटेशनली मतलब एक साथ ही करते हैं इन द फील्ड, और वो फील्ड पे ही हम लोग सर्वेइंग और प्लॉटिंग दोनों एक साथ ही करते हैं। और यह जो सर्वेइंग करने में हमको फील्ड बुक का ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि हम फील्ड बुक का यूज़ नहीं होता है इसमें। प्लेन टेबल सर्वेइंग में फील्ड बुक का यूज़ नहीं होता क्योंकि हम फील्ड बुक का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पे हम कुछ डाटा को लिखेंगे और बाद में हमको उस एरिया का जिस भी एरिया का हमने सर्वे किया है उस एरिया का यदि हमको डाटा मिल गया तो हम ऑफिस में जाके आराम से इत्मीनान से उस एरिया का प्लॉटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब जैसा कि बात आ रहा है प्लेन टेबल सर्वेइंग में, यहाँ पे हम उस एरिया का सर्वेइंग करेंगे और प्लॉटिंग भी साथ ही साथ करेंगे वही फील्ड में। और यह जो सर्वेइंग करने का फास्ट मेथड है, इट इज़ अ फास्ट मेथड ऑफ सर्वेइंग बट एक्यूरेसी, इसका जो एक्यूरेसी है वह लो है। इट इज़ एप्लीकेबल इन स्मॉल एंड फ्लैट एरिया, यह छोटे से एरिया और फ्लैट एरिया में एप्लीकेबल है प्लेन टेबल सर्वेइंग करने का। द एरिया हैविंग ब्रोकन ग्राउंड फॉरेस्ट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्लेन टेबल सर्वे। दोस्तों, जो भी ऐसा एरिया जो उबड़ खाबड़ हो, जो डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ हो, तो उस एरिया में हम प्लेन टेबल सर्विंग नहीं करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे इज टू प्रिपेयर मैप और प्लान। मैंने सबसे पहले भी वीडियो में बोला था कि सर्विंग करने का मेन मोटिव है कि हमें जिस भी एरिया का हम सर्वे करें उस एरिया का हमको प्लान और मैप को तैयार करना है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर काउंटरिंग, यह एक ढांचा बनाने के रूप में काम आती है। काउंटरिंग का मतलब होता है ढांचा। अब देखेंगे एसेसरीज इन प्लेन टेबल सर्विंग। प्लेन टेबल सर्विंग करने के लिए हमें कौन कौन सा इक्विपमेंट मतलब कि कौन कौन सा यंत्र का ज़रूरत पड़ेगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्लेन टेबल का मतलब है एक हमको मेरा एक प्लेन टेबल जो कि आपने अपने क्लासरूम में ईडी के क्लासरूम में आपने देखा होगा कुछ टेबल, ठीक उसी प्रकार से एक टेबल होती है। सबसे पहला हमें प्लेन टेबल सर्विंग करने के लिए प्लेन टेबल का आवश्यकता होगी, एलिडेड का आवश्यकता होगी, प्लम्बिंग फोर्क का आवश्यकता होगा, प्लम बोग, स्प्रिट लेवल, ट्रफ कंपास, ड्रॉइंग पेंसिल, क्लिप्स, इरेजर, ड्राइंग पेपर, ट्राइपॉड, टेप और चेन, स्पेशल अम्ब्रेला। अब दोस्तों एक एक करके प्लेन टेबल के बारे में देखेंगे और ये सब जो जितने भी एसेसरीज है वो एक एक करके हम जानने का कोशिश करेंगे। प्लेन टेबल, इट इज़ अ स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप ड्राइंग बोर्ड, यह एक ड्राइंग बोर्ड के जैसा ही एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है जो कि पाइन वुड का बना हुआ होता है और जिसको हम सेट करते हैं किस पे, ट्राइपॉड के पे हम सेट करते हैं प्लेन टेबल को। अब दोस्तों आप बोलिएगा कि ट्राइपॉड क्या है। ट्राइपॉड एक स्टैंड है जिसके ऊपर हम किसी भी चीज़ को रखते हैं, जैसे कि ट्राइपॉड का आवश्यकता यहाँ पे हम प्लेन टेबल को रखने के लिए तो पे कर रहे हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड विथ स्क्रू, और दोस्तों इसको फिट करने के लिए ट्राइपॉड में प्लेन टेबल को ट्राइपॉड में फिक्स करने के लिए एक स्क्रू होती है जो स्क्रू को हम प्लेन टेबल और जो ट्राइपॉड है उसके बीच में हम उसको फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू बाय विच
इट कैन बी फिक्स्ड इन एनी पोजीशन, और उस स्क्रू के द्वारा हम उसे किसी भी पोजीशन में रोटेट कर सकते हैं अराउंड वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में द साइज ऑफ प्लेन टेबल इज मोस्टली, इसका दोस्तों साइज होता है 45 × 60 सेंटीमीटर, मतलब 45 लेंथ होगा और 60 इसका ब्रीथ होगा, एंड 60 सेंटीमीटर × 75 सेंटीमीटर। अब दोस्तों प्लेन टेबल का 3 टाइप है। सबसे पहला है ट्रावर्स टेबल, फिर है जॉनसन टेबल, फिर है कोस सर्वे टेबल। अब एक एक करके देखते हैं कि ट्रावर्स टेबल, जॉनसन टेबल्स और कोस सर्वे टेबल्स होती कुछ है। इस यह एक ट्राइपोड है, आप देख पा रहे हैं इसका लेग को हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसको इसका लेग को ऊपर हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, और आप इसके सेंटर पोजीशन में देख सकते हैं यहाँ पे एक थ्रेड रहती है। यह थ्रेड के ऊपर हम जो प्लेन टेबल है उसको फिक्स करेंगे और इस स्क्रू को टाइट कर देंगे। यहाँ पे एक स्क्रू है दोस्तों। इससे पहले जो मैंने आपको ट्राइपॉड दिखाया, वो ट्राइपॉड एक छोटा ट्राइपॉड है जिसको हम जिस पे हम रख के वीडियो को बनाते हैं, तो कुछ उसी प्रकार से बड़ा ट्राइपॉड होता है जिस पे प्लेन टेबल को रखा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं ट्रावर्स टेबल होती क्या है। यह जो ट्रावर्स टेबल है उसका साइज यह 45 सेंटीमीटर लेंथ और 60 सेंटीमीटर ब्रीथ में आती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल थ्रेड थ्रू विच इट इज़ क्लैम्प्ड विथ ट्राइपॉड। या आपने इससे पहले वाला ट्राइपॉड में देखा कि उसमें एक सेंट्रल पॉइंट पे थ्रेड था जिसके ऊपर प्लेन टेबल को रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी एक सेंट्रल थ्रेड होता है जिसके ऊपर प्लेन टेबल को रखा जाता है। दिस टेबल इज लेवल विद द, और यह जो टैब जब हम टेबल को रखेंगे तो वो लेवल होना चाहिए, हॉरिजेंटल होना चाहिए। अब हॉरिजेंटल कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोपिक लेग। टेलीस्कोपी जो हमारा जो ट्राइपॉड का लेग था उसको अप एंड डाउन करने से हम वो जो टेबल है उसको हम पूरा हॉरिजेंटल में कर सकते हैं। टेबल के ऊपर में एक स्प्रिट लेवल रखा जाता है ताकि उससे हम हॉरिजेंटिलिटी चेक करते हैं। जब स्प्रिट लेवल का जो एयर बबल है वो सेंट्रल पोजीशन में आ जाएगा तो उससे यह पता चलता है कि वो जो टेबल है वो लेवल किया गया है। दिस टेबल इज यूज फॉर रफ टाइप ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। यह जो टेबल है वो रफ प्लेन टेबल सर्विंग करने के लिए काम आती है। अब दूसरा है दोस्तों जॉनसन टेबल। दिस टेबल इज मोर एक्यूरेट देन ट्रावर्स टेबल। यह ट्रावर्स टेबल से मोर एक्यूरेट होती है और कहीं ना कहीं इसका भी सेम ही यह सेम है ट्रावर्स टेबल की तरह, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो है लेबलिंग अरेंजमेंट। इसमें दोस्तों लेबलिंग हम कैसे करते हैं, दिस टेबल इज अटैच्ड विद बॉल एंड सॉकेट। उसमें आपने देखा ट्रावर्स टेबल में वह एक थ्रेड से अटैच थी, और इसमें मेरा जो रहेगा वो बॉल एंड सॉकेट से अटैच रहेगा कुछ इस प्रकार से। मैं आपको दिखाता हूँ, यह एक बॉल एंड सॉकेट यहाँ पे इसमें बॉल रहती है, यह एक सॉकेट है जिसके ऊपर यह दोस्तों मान लीजिए एक टेबल है और यह मेरा बॉल एंड सॉकेट है, यह इससे अटैच है यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जब हम इसको लेबलिंग करेंगे तो यह अप एंड डाउन कोई भी डायरेक्शन में, ये जो बॉल है वो कोई भी डायरेक्शन में 360 में घूमेगी और यह वर्टिकल में भी यह रोटेट करेगी कुछ इस प्रकार से। जो इसमें डिफरेंस है वो लेबलिंग अरेंजमेंट का है। दिस टेबल इज अटैच विद बॉल एंड सॉकेट एंड टू थंब स्क्रू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ इट। द अपर थंब स्क्रू कंट्रोल्स द वर्टिकल मूवमेंट। मैंने आपको करके दिखाया कि उसका हम वर्टिकल मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे उसके लिए एक अपर थंब स्क्रू होती है, वेयर एज लोअर थंब स्क्रू कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ टेबल इन हॉरिजेंटल प्लेन। एक थंब स्क्रू है जो मेरा वर्टिकली, ये जो मेरा आप देख पा रहे हैं यह ऊपर नीचे हो रहा है, यह एक वर्टिकली हो रहा है, और ये जो हो रहा है ये जो इस डायरेक्शन में यह हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, तो उसके लिए अपर थंब स्क्रू कंट्रोल करती है वर्टिकल मूवमेंट को और लोअर थंब स्क्रू
कंट्रोल करती है हॉरिजेंटल प्लेन को, मूवमेंट को, टू लेवल दिस। और इसमें भी दोस्तों यह टेबल के ऊपर में एक स्प्लिट लेवल, जिसको हम एयर बबल भी कहते हैं, उसको टेबल के ऊपर में प्लेस्ड किया जाता है। प्लेस्ड करने के बाद दोस्तों तब तक हम बॉल एंड सॉकेट को रोटेट करेंगे जब तक कि जो मेरा बबल, एयर बबल है, वो सेंट्रल पोजीशन में ना आ जाए। और जब आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वो जो टेबल है वो पूरी तरह से लेवलिंग कर दिया गया है। व्हेन द टेबल इज लेवल, जब टेबल लेवल हो जाता है तो थंब स्क्रू से हम उसे पुश कर देते हैं ताकि उसका जो वर्टिकल मूवमेंट है वो लॉक्ड हो जाए और वो वर्टिकल मूवमेंट अब मूव ना करे कोई भी डायरेक्शन में। अब दोस्तों तीसरा है कॉस्ट सर्वे टेबल। कॉस्ट सर्वे टेबल क्या है? यह भी सेम ही है, बस इसमें भी डिफरेंस है लेवलिंग अरेंजमेंट का। दिस टेबल इज यूज्ड व्हेन हायर प्रिसिशन इज रिक्वायर्ड, जब हम हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमको चाहिए तो उस समय हम कॉस्ट सर्वे टेबल का यूज़ करेंगे। इन दिस टेबल इज अ प्रोविजन ऑफ लेवलिंग हेड कंसिस्टिंग थ्री लेवलिंग स्क्रू। इसमें दोस्तों लेवलिंग करने के लिए थ्री लेवलिंग स्क्रू होती है और इसमें भी एयर बबल होती है। जब हम लेवलिंग स्क्रू को रोटेट करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो एयर बबल भी मेरा हिले डोलेगा। और तब तक हम लेवलिंग स्क्रू को रोटेट करेंगे जब तक कि मेरा एयर बबल है वो सेंट्रल पोजीशन में ना आ जाए। यही है दोस्तों एक लेवलिंग स्क्रू, थ्री लेवलिंग स्क्रू, या एक 2D में, इसीलिए इसके पीछे भी एक होता है ऐसे ही, जिसको हम ये जो है इसको रोटेट करते हैं दोनों से इक्वल अमाउंट में, इसको हम ऊपर नीचे करते हैं। तो आता है एलिडेट। अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको अभी एक इमेज आएगा एलिडेट का। ये एलिडेट कुछ इस प्रकार से है। इसमें दोस्तों यह एलिडेट में साइटिंग वेंस होती है, एक वन पेयर ऑफ साइटिंग वेंस होती है। यह एक साइटिंग वेंस है और यह साइटिंग वेंस हिंज जॉइंट से एक जुड़ी होती है, ताकि यह जो हिंज, जो साइटिंग वेंस है, इसको हम जब मेरा काम नहीं हो तो इसको हम फोल्ड कर सके। और दोस्तों इसके अंदर एक स्ट्रेचेड होती है, जो एक स्केल की जैसा ही होती है, जिसका दोनों स्केल में दोनों तरफ से टैपर किया जाता है। बोथ द एंड्स ऑफ स्केल इज टैपर्ड, बट इन दिस एलिडेड स्ट्रेचेड में क्या होता है कि एक तरफ से टैपर किया जाता है ताकि हम जो मार्किंग है वो कर सके। कुछ इस प्रकार से यह फिगर है एलिडेड का। अब दोस्तों देखेंगे कि एलिडेड का कार्य क्या है, यह क्या क्या करती है। एलिडेड इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ साइटिंग वेंस। यह मैंने आपको बताया कि इससे हम ऑब्जेक्ट को साइट करते हैं। किसके द्वारा साइट करेंगे? साइटिंग वेंस के द्वारा हम ऑब्जेक्ट को साइट करेंगे। टेबल सर्वेइंग टू साइट द ऑब्जेक्ट, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेच्ड एज मेड ऑफ आयरन और वुड। इसका जो स्ट्रेच एड है वो आयरन और वुड का बना होता है। वन एज ऑफ द स्ट्रेच एड इज टैपर्ड, अब मैंने आपको बताया कि इसका एक जो किनारा होगा वो टैपर किया जाता है। एंड प्रोवाइडेड विथ स्केल, इसमें जो ग्रेजुएशन होती है किया हुआ रहता है। द लाइन इज ड्रॉन अगेंस्ट द एज, जो एज था उसी के हॉरिजेंटल में एक, या फिर आप बोल सकते हैं पैरेलल में लाइन को ड्रॉ किया जाता है, जैसे हम स्केल में करते हैं। सो इट इज कॉल्ड फ्रूडिशियल एज, इसको फ्रूडिशियल एज भी कहते हैं। और दोस्तों टाइप्स ऑफ, इसके दो प्रकार होते हैं एलिडेड के, टू टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है प्लेन एलिडेड और दूसरा है टेलीस्कोपिक एलिडेड। जो इससे पहले जो मैंने आपको फिगर दिखाया था वो प्लेन एलिडेड का फिगर था। तो इसमें होता है दिस एलिडेड इज कंसिस्ट ऑफ टू वेंस, इसमें आप, मैंने आपको दिखाया कि उसके दो वेंस होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को साइट करते हैं। और इसमें स्ट्रेचेड प्रोवाइड किया जाता है और वो स्ट्रेच जो साइटिंग वेंस है उसको हिंज जॉइंट से को अटैच किया जाता है, ताकि हम जो साइटिंग वेंस है जब हम काम नहीं कर रहे हो तो उसको हम इजीली फोल्ड कर सकें।
वन वैन हैज़ फाइन स्लिट, एक जो वैन था उसका में पूरा फाइन स्लिट था, मतलब कि खोखला एक कुछ इस प्रकार से, यहाँ आप गैप देख रहे हैं, इसी को फाइन स्लिट बोलते हैं। वेयर एज अदर वैन इज ओपन एंड प्रोवाइडेड विथ फाइन वायर, जो ऑब्जर्वर है दोस्तों वो साइटिंग वेंस से, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इसको हमको साइट करना, तो ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा यह एक फाइन स्लिट है, तो ये इससे एक लाइट रे पास होगी, पास होते हुए या इसको बाइसेक्ट करते हुए, ये जो साइटिंग वेंस है इसको बाइसेक्ट करते हुए हम ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकेंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। जो दोस्तों प्लेन एलिडेड है वो वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं करती है, और चूंकि यह वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं करेगी तो इससे हम इसके नीचे एबव और बिलो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमको नज़र नहीं आएगा। मान लीजिए यह मेरा एलिडेड है, अब जब हम इससे साइट करेंगे, यहाँ पे दो वो साइटिंग वेंस है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा दो वो साइटिंग वेंस है, और हमको ऑब्जेक्ट को साइट करना जो ग्राउंड पे है और यह ग्राउंड से थोड़ा ऊपर में है, तो जब हम साइट करेंगे तो हमको जो पॉइंट ग्राउंड पे है वो हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि यह वर्टिकल पोजिशन पर यह मूव नहीं कर पा रही है। द प्लेन एलिडेड डज नॉट मूव इन वर्टिकल प्लेन, सो द पॉइंट्स एबव एंड बिलो द हॉरिजेंटल लाइन कैन नॉट बी साइटेड। द पॉइंट एट लॉन्ग डिस्टेंस कैन ऑल्सो नॉट बी साइटेड बाय प्लेन एलिडेड। दोस्तों ज़्यादा डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को भी हम साइट नहीं कर पाएंगे प्लेन एलिडेड के द्वारा। अब दोस्तों इसका जो डिसएडवांटेज था प्लेन एलिडेड में, कि हम ज़्यादा डिस्टेंस को साइट नहीं कर पाएंगे, और यह जो इसका प्लेन एलिडेड का मूवमेंट वो वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकल प्लेन में नहीं होती, तो इसके कारण हम एबव जो पॉइंट मेरा बिलो और एबव द एलिडेड है वो उसको हम साइट नहीं कर पाएंगे। तो इससे उभरने के लिए हम एक टेलीस्कोप का, एलिडेड का आविष्कार हुआ, और इस एलिडेड में कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं यह ए फ्रेम, दिस कंसिस्ट ऑफ टेलीस्कोपिक फिटेड, इसमें एक टेलीस्कोप फिट किया जाता है इस एलिडेड के ऊपर में, यह ए फ्रेम के ऊपर में एक टेलीस्कोप फिट किया जाता है, एंड प्रोवाइड विथ अ ग्रेजुएटेड आर्क, और इसमें एक ग्रेजुएशन मार्क किया जाता है। द इंटायर सिस्टम इज फिक्स्ड ऑन अ स्ट्रेच एज, यह एक स्ट्रेचेड है जिसके ऊपर टेलीस्कोपिक टेलीस्कोप को फिट किया जाता है। द टेलीस्कोप कैन मूव इन वर्टिकल प्लेन, और यह जो टेलीस्कोप है वो वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकती है, और जब यह वर्टिकल प्लेन में मूव करेगी तो हम मेरा जो पॉइंट है एबव और बिलो द हॉरिजेंटल कैन बी साइटेड। द लॉन्ग डिस्टेंस, और यह टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का मतलब ही दूरबीन होता है, दूर की ऑब्जेक्ट को हमको साइट करना है तो इजीली हम इसके द्वारा साइट कर सकते हैं। द लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट कैन ऑल्सो बी साइटेड एक्यूरेटली बाय द टेलीस्कोप, सो द टेलीस्कोपिक एलिडेड इज मोर एक्यूरेट देन प्लेन एलिडेड। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यदि आपको समझ में आया तो आप अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अब तीसरा है दोस्तों प्लम्बिंग फोर्क। प्लम्बिंग फोर्क क्या होती है? देखिए यह एक लेडीज़ के हेयर क्लिप के जैसा ही होती है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम है, मैंने यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। इसके दो आर्म्स होते हैं, एक ऊपर वाले आर्म्स को अपर आर्म्स कहते हैं, एक लो नीचे वाले आर्म्स को लोअर आर्म्स कहते हैं, और लोअर आर्म में यहाँ पे एक हुक प्रोवाइड किया जाता है, ताकि इसके हुक के द्वारा हम किसी भी प्लम्बर को सस्पेंड, नीचे में सस्पेंड कर सके, ग्राउंड पे सस्पेंड ट्रांसफ़र कर सके। इट इज़ अ डिवाइस लुक लाइक लेडीज हेयर क्लिप, इट हैज़ टू आर्म्स नोन एज अपर आर्म एंड लोअर आर्म, द लोअर आर्म इज़ प्रोवाइडेड विद अ हुक फॉर सस्पेंडिंग अ प्लम्बिंग फोर्क इज़ यूज्ड टू, और प्लम्बिंग फोर्क का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, मान लीजिए कोई भी
यह यहाँ पे एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है। अब हमको प्लेन टेबल में इसको यह पॉइंट को हमको प्लेन टेबल में यहाँ पे हमको शो करना है। तो इसको ट्रांसफ़र, ये जो पॉइंट है यहाँ पे प्लेन टेबल पे हमको ट्रांसफ़र करना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक प्लम्बिंग फोर्क को इस पे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हुक से सस्पेंड करेंगे प्लम्बर को, और चूंकि यह जो डिस्टेंस है दोनों का सेम ही है, तो यहाँ से इसके मतलब कि जैसे इसका एंड पे आएगा तो हमको यह पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट था वो हमको मिल जाएगा। तो प्लम्बिंग फोर का यूज़ होता है ट्रांसफ़र द पॉइंट फ्रॉम सरफेस टेबल और टेबल टू सरफेस वर्टिकली। या आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट को ट्रांसफ़र करता है वर्टिकली। प्लम्बिंग फोर इज ऑल्सो यूज फॉर सेंटरिंग द प्लेन टेबल, या सेंटरिंग करने के लिए भी प्लेन टेबल में प्लम्बिंग फोर का यूज़ होता है। अब दोस्तों चौथा है स्प्रिट लेवल। स्प्रिट लेवल आप इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि स्प्रिट लेवल क्या होती है, एक बार और मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब, यह एक ग्लास ट्यूब का बनी होती है जिसमें अल्कोहल और एयर बबल फिल किया जाता है। द ग्लास ट्यूब इज सील्ड एट बोथ एंड्स, और जो ग्लास ट्यूब है उसको दोनों किनारे तरफ से सील कर दिया जाता है। एंड इट इज़ फिटेड इन अ फ्रेम, और यह एक फ्रेम में फिट किया जाता है। हैविंग फ्लैट बेस, जिसका बेस फ्लैट हो, समतल हो। स्प्रिट लेवल इज़ यूज फॉर लेवलिंग द टेबल, स्प्रिट लेवल का यूज़ करते हैं जब हमको चेक करना होता है लेवलिंग मेरा सही से हुआ या नहीं हुआ। इसके किसके द्वारा ये चेक करेंगे, स्प्रिट लेवल के द्वारा ही हम चेक करेंगे। अब दूसरा दोस्त है पाँचवा कंपास। इसमें दोस्तों ट्रप कंपास का यूज होता है। इन प्लेन टेबल सर्विंग ट्रप कंपास इज यूज फॉर ओरिएंटेटिंग द टेबल। अब मैं दोस्तों ओरिएंटेटिंग का मतलब इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब छठा में है स्पेशल अम्ब्रेला। चूँकि हम जानते हैं कि प्लेन टेबल का यूज हम वैसे एरिया पे करेंगे जहाँ जिस भी एरिया का हमको सर्वे करना उस एरिया में हमको जाके ही प्लेन टेबल को फिक्स करना पड़ेगा, और वहीं पे हमको साथ ही साथ प्लॉटिंग भी इसमें करेंगे। तो मान लीजिए बरसात का समय में तो हम वो जो मेरा प्लेन टेबल है, जो मेरा पेपर है वो तो भींग जाएगा पानी के वजह से। तो उसके लिए अम्ब्रेला प्रोवाइड किया जाता है। स्पेशल अम्ब्रेला इज़ कैरीड आउट विथ प्लेन टेबल सो डैट पेपर फिक्स्ड ऑन द टेबल कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन। दोस्तों यह रहा आपका पूरा जो था वो प्लेन टेबल सर्विंग क्या होता है और उसके कौन कौन से इक्विपमेंट है, एसेसरीज क्या क्या है, वो सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।